हेलो हाय नमस्कार विथ अश्विन को आपण समस्तंको करछु वेलकम। आज एपिसोड डेफिनेटली आपणक पई मु जानिनि स्पेशल हबो कि नै, डेफिनेटली मो पई बहुत स्पेशल हबो काहेकि ना मोर जणे आज अति प्रियर लोक माने मु जहार फैन माने थिली इवन आज भी अछि बहुत गुडे प्रोजेक्टर सी आज मो संगेर अछन्ति सबुठु स्वीट वॉइस जहांको आपण गोटे टाइम रे एंकर हिसाब रे देखिथिले अनेक गुडे से टाइम रे गोटे यूनिक एंड हैपनिंग म्यूजिक वीडियोस रे आपण देखिथिले फिल्म्स रे देखिथिले एंड एमिति भी गोटे टाइम आसला आमे गर्व कलु तांकु नै जहांको कि आपण साउथ इंडस्ट्री रे मध्ये देखिथिले सी होछन्ति नेना अपा नेना दास। हाय नेना अपा, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट डिजर्व करे कि नहीं बट वेरी नाइस। नहीं 100% आपण डिजर्व करंत कि नै, मु भी गोटे छोटिया कथा कहिबे जेतेबेले मु स्कूल ले पढ़ुली से मु नेना अपा को देखी थी एंकरिंग करिवार एक्चुअली ट्रेजेडी होची कि मु भी जे स्कूल लो पास करू करू एक्टिंग रे एक्टिंग रे फसी जाइले बस तो सेले कि मु से टाइम रु माने आपन को रोटे डायरेक्ट फैन। थैंक यू एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर फील्ड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अपा। नेना अपा आपन लाइफ रे बहुत गुडे जिंस देखि लेनी झगड़ा टीज बा कहाँ पछरे गॉसिप सो मो भितरे टिके टिपिकल झियो वाला गुण टिके कम सो आई एम अ ब्लेंड ऑफ जो पुओ मानकर रोडे भलो नेचर नथाय कि कहाँ पछरे बेसी कथा होंती एंड दे डोंट एंजॉय गॉसिप बा कहाँ को जज करिबा, आई जनरली डोंट एंजॉय ऑल दिस सो मते टिके लागे कि जियो जीने दो एंड बी काइंड कहार जदि किसी असुविधा होगा जदि किए किसी भूल करुच्ची ट्राई एंड अंडरस्टैंड तार बैकग्राउंड कौन प्रॉब्लम थी बार सो आम जनरली पीस लवर आई जेहेतु मुझे हैप्पी थाए फ्रॉम विद इन आई जनरली स्टार्ट माय डे विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। गोटे इंटरव्यू में आप देखी थी मैंने जमीक आप कहते कि बाबा बाबा जी सपोर्टिव नथिले कहीं सी बेसी सोशल वर्क बाहर रोते कम करते माँ किंतु बहुत सपोर्टिव थिले अनि बाबा सपोर्टिव नथिले बोली केबे भी कहबी नहीं रादर माय फादर इज समबडी हु इज वेरी ट्रेडिशनल ओके एंड स्टिल कारण से मते एते भल पाउथिले आ से मते एते ट्रस्ट करूथिले जे मो झियो भाभी छी माने ठीक भाभी थिबो भाभी की भाभी थिबो। अच्छा बीइंग अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कल्चर्ड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी भी कही पारिबो जोठी से भलिया ब्रॉट अप कि आमे इटा करबा उचित में स्टिल ही वाज द वन जे कहले कि आई एम प्राउड टू बी नोन एज कि ये नैनार बापा। अच्छा सो सेटा मो पई गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट थिला सो मु केबे कहबी नि बापा सपोर्ट करि नहांती बट हां तांकर प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट सो से वीकली 7 डेज बिजी थांती आगे 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 मां घरे थांती सो बाय डिफॉल्ट तांको ई सब बुझिया पई पड़े। ओके तो ई सब भितरे आपण गोटे एमिति गोटे लाइन चूज करे जोंतरे कि आपण भी जानि छथि बहुत गोटे टाइम दबा को पड़े आउ आधरे बहुत गोटे रिसर्च भी दरकार जदि आमे आकु आधरे प्रो हबार अछि त हमकु सबुदिन गोटे नुआ दिन सबुदिन आमको नुआ जिनस सिखिया को पड़े केते डिफिकल्ट हेतला आपनको मते लागुछि डिफिकल्ट एथि पय हेतला कि मु निजो उपरे बहुत जल्दी खुशी हेइ पारेनी सो घर लोक तो सबले वाह वाह कहंती लकीली आई हैव पीपल लाइक यू फैन्स ओडिसार जो मैंने मत वाह वाह कही अपणई बहुत सारा भलपाइवा दे से आज मुझा मुझे भूलिया को चाहे नहीं भूलिनी बट मत सब लगे कि अच्छा ये टेगला बोधे नेक्स्ट टाइम यहाँ टी असुविधा होगा नेक्स्ट टाइम सो आई ट्राए एंड जज माई सेल्फ रादर देन बिंग वेरी हैप्पी कि लोक अपलोड करप्रिसीएट कर सो मुझे आक्सेप्टेन्स और अप्रिसीएसन को खोला हृदय सहित आशीर्वाद बोली ग्रहण कै बट सब भावे कि हाँ छोट मोट त्रुटि अच्छी आगे भल करवा लेट्स ट्राए फर बेटर। नेना दास को चूजी फिल्म है काम हला सी तमे भी जणे एक्टर तमे भी जणे एंकर तमे भी आज डायरेक्टर कथा चूजी रो आसे सेतबेले जेतबेले आपण केही जणे हे जानती बट जेतबेले आपण नुआ नुआ करियर आरंभ करंती हां सेतबेले भी मु चूजी वर्ड ता मते लागुची बधे भूल हबो इंडस्ट्री पई आई वाज वेरी थॉटफुल कि मु कोण करूची आ एटा करबा उचित ना नहीं एज आई टोल्ड आई बिलोंग टू अ फैमिली जोठी मते तांकर भी सम्मान रो कथा बुझिबार थिला एंड मु निजे भी टिक
ଟିକେ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରୋ କରିଛି। ସୋ ଯେମିତି ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି ୟା ଟିକେ ସେହମା ହୁଆ ଥାନ୍ତି ଲୋକ ଇମିଡିଏଟ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ସୋ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ବି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବଢ଼ିନି, ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଯେଉଁଠି ସେଠିକାର କଲଚର ଅଲଗା, ସେଠିକାର ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭି ୱାର୍ଲଡକୁ ଆସୁଛେ ସେଇଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଟିକେ ହଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭାବିକି ବହୁତ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କିଛି କମ୍ରେ ବି ହ୍ୟାପି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସୋ ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆମ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଘର ଲୋକଙ୍କର? ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଥିବ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ସର୍କଲ୍, ସେ ସର୍କଲ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ସେ ସପୋର୍ଟଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ଲକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ବହୁତ ବି ଭାବିକି କାମ କରିଛି ବା ବହୁତ କିଛି ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି କାମ ଓକେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି କରିବାନି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବି, ମୋ ମାମୁଁ ମାଉସୀ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ କହେ କି ମୁଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ପାଥରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଯାଉନି। ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମାଉସୀ ମୋତେ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ କି ଆରେ ତୋତେ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଭେରିନ୍, ଦେର୍ ୱାଜ୍ 110% ଚାନ୍ସେସ୍ କି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ କି ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା, ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ସୋ ଘର ଲୋକ ତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇ କାମ କଲେ, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟା କେମିତି ହଠାତ୍ କିନି ମିଳିଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଲା? ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଙ୍କରିଂ ଡେଜ୍ରୁ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ଦୁହିତା ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ମୋତେ କାଫି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିଳିଥିଲା। ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଧେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଶଶୁର ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ରେଣୁକା ସାହାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା କରିଥିଲି। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜ୍ ୟୁ କରେକ୍ଟଲି ସେଡ୍, ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରାଉଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ମି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ସୋ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଲାଇକ୍, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ମୁଁ କରିସାରିଥିଲି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରିସାରିଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ହିରୋଇନ୍, ହିରୋଇନ୍ ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ମୁଭି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶଂଜିତ ଜୀ, ଆମର ହିରୋ, ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ଆପ୍ ଜବ୍ ଆତେ ହୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପେ ତୋ ତାଲିଆ ଗୁଜ୍ ରହି ହେ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସୋ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏ ଲଟ୍। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସାଉଥ ଏମିତି ହେଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଉଥର ଜଣେ ହିରୋଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଥିଲା ବରହମପୁରର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଶୋରୁମ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବରହମପୁର ଯାଇ ସେପଟେ ସେପଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଥିଲି ଫୋନ୍ ଇନ୍ ବୋଲି, ଯେଉଁଟା କାଫି ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ନା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ଲାଗିନଥିଲା? ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଲାଗିଥିଲା, ହ୍ୟାଲୋ କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ସୋ ଆଇଲ୍ ସେ ହ୍ୟାଲୋ। ସୋ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ନା, ଯେହେତୁ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ପ୍ରପୋଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଗଲି କାମ କଲି, ଦେ ଲଭ୍ ଡେଟ୍, ଦେ ଥଟ୍ କି ମୁଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ସେଥିରେ ରବି ତେଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଲା, ପରଚୁରୀ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଥିରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଅ ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ଅ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ତାର TRP ବାକି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ମେ ବି ମୁଁ କହିବି ମୋର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ଲକ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟେକିଂ ଶେପ୍। ମୁଁ ବେଶୀ ଫିଲ୍ମ ତ ଗଣିନି, ହେଇଥିବ 25-30 ହେଇଥିବ, ମେ ବି 20-25-30 ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ବଟ୍ ସେଠି ନୁହେଁ। ସେଠି ଯଦି ତମେ ଖାଲି ସାଉଥ କହୁଛ, ଆଇ ହାଭ୍ ୱର୍କ ଫର୍ 3-4 ମୁଭିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ତାମିଲରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି, ତେଲୁଗୁର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ହଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯଦି ମୁଁ IAS ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, କାଫି ତାଙ୍କ ଲିପ୍ସିଙ୍ଗ ଟ୍ରାଏ କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦ ୱେ ଦ ଟକ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛେ, ଆମର ଆମେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ସ୍ୱିଟ୍ ଇଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଟଙ୍ଗ୍, ତ ତେଲୁଗୁର ବି ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାଫି ହେଲ୍ପ ବି ସେମାନେ ମୋତେ କରିଥିଲେ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ନେନା ଆପା? ମାନେ ଭେରି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ, ଭେରି ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ ସେମାନେ, ମାନେ ଆପ୍ ହିରୋଇନ୍ ତ ଆପ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍, ମତଲବ ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ବୟସର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ବି ଥିବେ,
तांको तले पांच जन असिस्टेंट थिबे द चीफ प्रोडक्शन मैनेजर विल ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटेड वेल विथ रिस्पेक्ट व्वेन आई से एंजेल आई एम नॉट सेइंग कि ड्रीम वर्ल्ड रे परी भलिया ट्रीट करछन्ति व्वेन आई से एंजेल बा आमे कहंती जे झियो मानको सम्मान दियो सेटा काफी देखिया पय मिले सो बीट अ हीरो बीट अ प्रोडक्शन मैनेजर बीट अ डियर आप तळको कथा कहिबेनी गाड़ी चाहिए तो संगे संग हाँ गाड़ी है एटा खाइबनि अच्छा ठीक अच्छे एटा अच्छी बा देह भले नहीं ठीक अच्छे शूट जल्दी सार दे आर वेरी वेरी केयरिंग दे आर वेरी रिस्पेक्टिव वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टाइप फीलिंग टा दियंती से माने तो ए लाइफ रे सब टाइप रो चेंज ओवर आसे समस्त को लाइफ रे मैरेज असला आपन को लाइफ रे नेनापा जब भी की मु आपन को टिके पूर्व रो पचारथली मैरेज किमती माने लव मैरेज अरेंज मैरेज किमती देखा सके इट्स अ कंप्लीट अरेंज मैरेज मोर बडो भोनी ठीक करथिले एंड तापरे ऑफकोर्स पूरा फैमिली मेम्बर्स माने से को एक्सेप्ट करले एंड से ठीक ठाक सब जिन ठीक ठाक लगला एंड जिते बड़े मुझे देखी थी फर्स्ट टाइम सो मत लगला कि येस हि इज अ जेंटलमैन कारण देख आम जो लाइन रे अच्छे से बहुत बिजनेसमैन भी मिले बाहबापी बहुत हिरो भी मिले बाहबापी बहुत अलग टेक्नीशियंस भी मिले कॉर्पोरेटर भी मिले बट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाज अ जेंटलमैन कि जड़े जे मत सम्मान दौथे प्रोफेशन को सम्मान दौथे एंड इन जनरल टिके रिस्पेक्टिव हेथिबे सो इज अ थरो जेंटलमैन अगुरु आपनकर कोनसी काम से देखथिले हां भागर पूर्व लिटरली से टाइम काढी के मोर तेलुगु मूवी देखथिले आ कहथिले कि अच्छा तमरो से शॉट ता मते भारी भल लागला अच्छा से वाला शॉट ता केमती हेथिला सो सेतर बडे शॉट थिला इन पर्टिकुलर जंक्शन वाली जो मूवी ता थिला मोर तेलुगु रो सेतर से बडे पौडा कटा वाला झियो हेते तो से जत बडे पौडा ता को धरि केमती कतळ धरि के चल चली जाउची से हाफ सारी पिंधी के तेलुगु रो से हीरो गोटे मटर खाऊ से ना गोटे मटर टा तो केमती जमती हमर हम आपके हैं कौन भी जमती हाँ तो से कौन गोटे मटर देखी के फोपाड़ थे एंड ये झीटा चालू चल से ना कतुरी टा देखे दौथ से जिते थर मटर फोपाड़ थो से कतुरी टा देखो एंड से बाउंस बैक पड़ो ता मुँह से पड़ो थो सो इट्स लाइक साउथ मूवी यू नो तो से देखी कहे अच्छा वो वाला सीन बड़ा अच्छा लगा मुझे वो कैसे शूट हुआ था सो अफकोर्स से पूरा मोर काम देखिकी मत देखिकी जमी मत जेनविनिटी बीइंग अ जेंटलमैन भल लगे लगता आई एम वेरी डाउन टू अर्थ आई एम वेरी ग्राउंडेड आई एम वेरी जेनराल लाइक गोटे साधारण झील भाया झील तो ये दिन भितर गोटे गुण जो भारी भल लगे एमती गोटे गुण से ठीक को ठीक भूल को भूल कहबार साहस रखंती साहस रखंती एमिति जो ऊपर अपन टिकट चिडंती अरे बेसी नाही एक्चुअली 10 वर्ष हे गेलानी बाहागर 10-11 वर्ष हे गेलानी आपन के एमिति गुण जोडे कि तांगरी भल लागे मोरो एडजस्टिव गुण बीइंग हार्ड वर्क के घरे स्त्री को देखिया को पांती हीरोइन को देखिया को पांती नी निजो छोरो मा को देखिया को पांती हीरोइन को देखिया को पांती नी एंड पखाळा बातर भी खुशी 5 स्टार रे भी खुशी खाइबा थिले भी खुशी खाइबा नथिले भी खुशी आपन को फोन करी कि फैंस माने होन तो आपन के रिलेटिव्स रे डेफिनेटली कहिथिबे कि आउ आपन को गीत आपन को सीन्स आम पिला मानको भारी भल लागे सेंदिक बे तो बहुत फोन फैन आस्थु हां हां अरे बहुत यू आर द फर्स्ट वन जे मते ए सब कथा पचारु छ एंड आई एम एबल टू टेल यू द रियलिटी ऑफ माय लाइफ से जते बेला मैं रेस्टोरेंट जाऊ खाइबा पई त मैं देखथिबा हमरो आम ओडिया लोक माने बहुत भलो रांधंती आमे माने बहुत भलो रांधंती राइट तो मोस्टली जते बडो होटल हो छोटो होटल हो रेस्टोरेंट्स रे ना तमे आम ओडिया लोकन को पाइबो एंड जनरली जते बेले मु जाय से माने तांकर से श्रद्धा बा भल पाइबा मते चिन्हंती बहुत आदर करंती बहुत भल पाइबा दियंती सो चिन्हिबा पूर्व ये केबे केबे कचरंती अच्छा आप ओडिया हो तो से कहबे कि हां सर हम ओडिया अच्छा इनको जानते हो अच्छा था ना कि गोटे मोमेंट लगे जानी बापा तो से देखिए हाँ जानता तो हूँ अच्छा हाँ मैं जानता हूँ अच्छा सो देयर वर टाइम्स जितने से एक का भी जानते रेस्टोरेंट कहते अच्छा आप ओडिया हो से हाँ अच्छा नैना दास करके एक हीरोइन है जानते हो हाँ सर जानता हूँ तो घर ऐसे कहती कि वो ससुरो भी सी भी अच्छा अच्छा आपको तो सब लोग जानते हैं सो दे एंजॉय बीइंग माय हस्बैंड बीइंग माय फैमिली मेंबर्स अरे वाह क्या बात है कितने एक्टिव सोशल मीडिया रे नेना आपा एवरेज एवरेज वेरी एवरेज सब बड़ को टाइम देबा को पड़थो गो बैलेंसिंग लेडी आपनो माने जति कि मुझे फैमिली इंडस्ट्रीज यस एबे जे तो मोर ओटे पुआ अछि एंड द प्रॉब्लम इज अश्विन हीरो अछि सुपर हीरो अछि द प्रॉब्लम इज मते ना लाइफ रे फ्री टाइम बहुत कम मिले छि ओके एंड आई एम लकी एंड हैप्पी दैट मते फ्री टाइम कम मिले छि सो द थिंग इज कि पढ़ो
ए लाइन रे पसिली पढ़ू पढ़ू बाहागर हैला पढ़ा पढ़ी लास्ट केते जाई कले सो मु डबल ग्रेजुएट मास्टर्स करछी सो ग्रेजुएशन परे मु पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग कली मास्टर्स देन एमबीए मास्टर कली एमबीए रो लास्ट ट्राइमेस्टर सॉरी नथिला मु बाहागर हैला बट से तोळ मु ऑलरेडी जॉब कर जाईथली एंड तापरे बॉम्बे पळिली बॉम्बे गला परे बाहागर रो 30 डेज भितरे मु आउटे कॉर्पोरेट जॉब कली एंड बॉम्बे लाइफ यू नो मॉर्निंग 6:30 टू इवनिंग 9:30 सो इट्स लाइक भागो 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 एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू कोप अप सो मते टाइम बहुत फ्री टाइम बहुत कम मिली छी कंस्ट्रक्टिव टाइम बेसी मिली छी तो सेति पई आई लव टू बी कनेक्टेड विथ पीपल बट केबे केबे थाय कि तमको मैनेज करया पई पड़े यू नो क्लिकिंग अ फोटो एंड पोस्टिंग ता भितरे आ पांचटा काम पळे आ जाय थाय अच्छा से कोन खाइबो अछि ए कोन अच्छा ए बिजनेस रे एटा बुझा हबो बा अच्छा ऑफिस रा जे कामटा अछि बा जे हस्बैंड करै कामटा अछि मां करै अछि बापां करै अछि ससुरों करै अछि सो व्हेन यू आर समबडी हु टेक्स केयर ऑफ अ हाउस यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम इते एक्सपीरियंस माने चाकरी भी करछंती चाकरी रो एक्सपीरियंस आपण पाइ छंती फैमिली रो एक्सपीरियंस पाइ छंती बिफोर फैमिली रे केमते एक्टिंग रो एल्बम्स रे आपण को टाइम रे दल चलतला तार एक्सपीरियंस भी आपण पाइ छंती तो ऑल ऑफ टोटल सब जिंस लाइफटा को आप बुझे सारी आई एम वेरी हैप्पी डेफिनेटली तापर भी आप खुशी अच्छा बट शॉर्टली वन लाइन जब व्हाट इज लाइफ आपण के हिसाब से पचार जाए तार आंसर कौन रहा व्हाट इज लाइफ लाइफ इज बीइंग हैप्पी एंड बीइंग फॉरगिविंग फॉर द फर्स्ट जदि प्रथम जो थाए ना कि पहाच उपर पहाच व्हाट इज लाइफ टू बी फॉरगिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना एते बोझ हो जाए मन भितर एते हाँ एते एते किंतु परंतु राग अभिमान हो जाए जे आपण आ नुआ चैप्टर्स को देखी पारंतिनी सो मुझे बहुत चेष्टा कर छी लाइफ रे बीइंग फॉरगिविंग मु माफ कले ना आ आगु को बढ़ी हुए फॉर मी दैट इज लाइफ फॉर द लाइक फर्स्ट चैप्टर जे तुम लाइफ रो कहबो एंड इन जनरल व्हाट इज लाइफ कीप थ्राइविंग कीप लुकिंग फॉर समथिंग न्यू there will be times jete bel tumhe disappoint hobo nijo thu and there will be lows there will be highs but you will bounce back so that's life emti gote jinsa jota ki apan aji bhitare kari sarchanti kintu aji bi afsos achi mu mo life re eta karibi bahut kichhi are baba bahut kichhi I am somebody jemti mu kahi na ete besto bhitare life ta chali chi je nijo pai gote free time bahut kam mile so there are so many bucket list एंडलेस मते घोड़ा चढ़ा शिखबार इच्छा थिला सेटा हेनी मते स्केटिंग शिखबार थिला सेटा हेनी मु स्विमिंग अधा अधूरा शिखी बेंगाली फिल्म पाई सीखी थी सेटा अधा अधूरा शूट रे हेगला बट आई वांट टू हैव कंप्लीट लैप्स सेटा फुल हेनी मते सेटा भी मो पुओ सांगे शिखबार अछि मते निजर गोटे बहुत बड़ बिजनेस क्रिएट करिवार अछि जोटा कि गोटे लेगेसी क्रिएट करिवो जोठे मो पुओ खुशी रे कहि परो कि एटा मो मा तयारी करथिले एंड मते गोटे बहुत भलो बा हबार अछि क्या बात है सो स्वीट एंड मु जानि छी जते बेले एते जिंस जने एते पॉजिटिव रो सहित सक्सेस करचंदे ए सब जिंस भी हे जीव आई होप सो फिंगर्स क्रॉस एबे मु एबे एबे मु भाबु छी कि लेट्स डू इट आउ आउ टाइम नथले भी बाहर कर राइट लेट्स डू इट लेट्स डू इट सो आई एम अ लिटिल तो कहि परबो कि मु निजो विशेस को सबल टिके पछरे रखि दिए बट एबे लागु छी कि मु जदी निजरो विशेस को फुलफिल करबी मो छुआ बा मो फैमिली ताकु देखि प्राउड फील करबी सो वी शुड डू इट नेनापा आपण जेते सब जोनर सब काम करि सारछंती आज भितर वर्तमान रिसेंटली भी आपण गोटे दुटा म्यूजिक वीडियो कले फिल्म्स करछंती वर्तमान माने आसी सारापर ओडिया रे मध्ये दि तीनटा फिल्म करछंती जज भी होती शोज मानक इवेंट्स मानक तो एबे ए जो ओडिया इंडस्ट्री रे आपण को केमती लागु छी पुणी गोटे कमबैक पुणी गोटे नुआ जिंस घर घरे सब बळे घरे घरे दिखावा न थाए हां घरे दिखावा न थाए घरे देखे हवा जरूरी ना निज को कहे हवा मानते मुझे मत पचार ये कहवा दरकार ना सो जमी कहते कि हाँ हाँ सिंगाणी बोला बेलू आम तक देखीचु सो दैट कम्फर्ट सो से कम्फर्टा ओडिसा रे अछि आज भीतर आपन लाइफ रे मन थी कहीं आप फोन इन करते सेतळे आपन बहुत फैन फॉलोइंग्स थे तो आज भीतर गोटे सुपर फैन जी आप बहुत किसी करते मन अच्छे किए फैन फैन जितेबाला काम करूँ आम एत फैन मान से देखा ही पार नु जनरली बहुत बड़ बड़ गैदरिंग्स देखाओ जमी शोज जाऊ थाउजेंड्स ऑफ लोक छड़ा होती एंड आप सिक्योर्ड वे रे जाकि रिप्रेजेंट करते निजी को कारण एत बड़ गैदरिंग भितर तो आप ओपनली जापरें बट मो मन अच्छे मुझे कलेज जो पढ़ू थी एम बी ए कला बेले मोर जो जूनियर थे एंड सी ही हैपन टू लाइक मी अ लॉट एज एन एक्ट्रेस एंड से पेंटिंग भी सीखी सो वन फाइन डे से सडनली आसिले एंड मुझे जेनराली टे चुपचाप
मते एकदम से माने ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हां मु टिके चुपचाप माने टिके सीधा जाए और सीधा आसे वापस सो मते एते मु एते आखी काना नाक मोर खोला नता है गोटे फोकस रे जाए गोटे फोकस रे वापस आ जाए सो मु केबे त मु देखि नथिली कॉलेज रे सो वन फाइन डे ही केम एंड ही सेड कि आई एम अ पेंटर एंड मते आपण भल लागंती एंड आई मेड अ पेंटिंग ऑफ योर्स सो दिस वाज दिस ह्यूज एते बड़ आज भी मो घर मो बेडरूम रे से पेंटिंग को मु रखी सम्मान रे सहित सेमती बहुत सारा फैन्स मिल चंती बहुत जन अच्छा जो मैंने बट आज का डेट रे आम फैन्स मैंने आमको बहुत इजिली रीच कर देन वाज अ डे जो आम फोन नंबर दौन आम जितेबाला शोज जो आम क्विकली घर को पलै आसुले सो फैन्स नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टॉक आज जमी फेसबुक जहाँ जहाँ इच्छा से लिखिक कही पारे सो नाउ देर आर सो मेनी फैन्स जो मैंने कही पार देन मते ई डेस्चरटा मो कॉलेज रो बहुत भल लागतला अरे वाह क्या बात है तो ई फैन फॉलोइंग्स के ना ए सब जिंसोटा जितला आपण टीवी स्क्रीन ने बाहरंदी से सब जिंस भारी भल लागे बट पर्सनली आपण को कोटा बेसी फेवरेट जे जॉबटा ना आपण को एक्टिंग प्रोफेशन रे अच्छा मु कहिबी मु ना त जेते बेले काम करूथली अश्विन सेते बेले जेमती मु कहली ना ए कल्चरटा नथिला कैफे जाओ जोटा आमे आज करी पर तमे जमाने कर आज हम देखा हले यू विल से कि ओके वी आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आमे काली देखा हवा विल हैव अ कप ऑफ कॉफी या आमे गोटे डिनर रे देखा करी बाबा लंच रे सो आमे पांच छह जना फ्रेंड्स देख मिसिले कथा हले इट्स सो इजी बा वी आर नॉट बदर्ड कि आउ से कैफे रे किए अछि किए नहीं जितेबले मु बहुत विगरसली काम करथली व्हिच इज 10 इयर्स बैक एंड एबे 5 वर्ष हलाणी पुनी काम करबा आरंभ करलेनी सो दैट 10 इयर्स पूर्व ए 5 वर्ष भितरे बहुत तफात अछि सेतबले ना मु तरसी जाइथिली टिके रास्ता रे नॉर्मल झियो बडा छिडा है कि गुपचुप खाइबा पई चाट आय मते रोड साइड फूड बहुत भल लागे भल लागे सो आई एम अ फूडी मते खाइबा बहुत भल लागे एबे भी खांदी एबे भी खाए बहुत किछ रोसे भी करे गुपचुप वाला चाट वाला देखि के एबे भी खाए एबे मु एबे एबे देखो समय संगे आपण मैच्योर भी हि जान सेतबले कोन गोटे कॉलेज गोइंग गर्ल एंड एन एक्ट्रेस तो लागे कि अरे मु खाइबे टिके पांच जना देखिबे कोन कहि कि पळेबे बट देखो भाई कोई बात नहीं एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड मी अ लॉट तो केबे भी एमती है नहीं कि किसी खराब कहे कि कौन पड़ेगा बट दे इधर दे सी लाफ एंड गो स्माइल एंड गो और से मन आसंती बट इन पॉजिटिव वे कौन कौन हटात कि शॉक दे छन के मो शॉक दे छी बहुत सो आई जस्ट टेल यू मो मोर मते मो जेबे बहा है कि गली बॉम्बे मो हस्बैंड को कहली रास्ता रे जत्ते दुकान दिसु छी सब बाली बाली करी के खाइबा हमें एंड आई वांट टू लिव दैट नॉर्मल लाइफ कारण मो बहुत छोटो बड़ो काम आरंभ करतली सो बाय 11 12 आई वाज ऑलरेडी हियर मो से जो बुलीबा खाइबा खोला लाइफ बंचीबाटा मोर हेइ नथिला आई वाज ऑलवेज होम स्कूल कॉलेज घर काम अच्छा तो बाहर हला पर मो कहली सी ही वाज सरप्राइज कि अच्छा गोटे हीरोइन कोजी कि रास्ता रे जते चाट वाला गुपचुप वाला मोमो वाला बसछन हमें खाइबा सो वी एंजॉयड अ लॉट सबटो सरप्राइजिंग मते लागे मो वॉइस रु लोग चिन्ह जानते हां सेटा हुसी द मोस्ट पावरफुल थिंग माने मते न पे देखे कि 100 एंड टाइम्स हे छी एटा इवन एबे कोविड टाइम रे मो मास्क लगे कि थाए सो मेनी पीपल दे से आपण नै ना एंड मु बहुत ग्रैटिट्यूड सहित कहे कि हाँ मुनैना मु केबे कहेनी कि नाना मुनैना नुए ना मु तो भौणी मु सेटा कहेनी बिकॉज से माने चिन्हु चंदी सेटा तांकर बडपण से माने एक्सेप्ट कर चंदी सेटा तांकर बडपण तांकू तांकू यू नो रिटर्न रे सेति के सम्मान न जणे बाटा गुटे बहुत बड़ भूल हबो बट मो चेहरा एते चाहे मु मास्क पिन दे था बिकॉज देयर आर टाइम्स मु नॉर्मल ट्रैक पैंट और टी-शर्ट रे पळे था सो नैना आई से यस हाँ मुनैना सो वॉइस रु चिन्ह जानती एंड एटा मोर 10 वर्ष तले भी जेते बेले मु काम करथली मु जेते बेले मु कहली एमती आमे कोन कर स्कार वार बांधी के गुपचुप खाओ तो से खाइला बेले भी 3-4 जने जेते अरे ये नै ना बिकॉज मु के भाई ना अड़ी पानी दिया भाई ना अड़ी के आलू दिया सो आई एम वेरी सरप्राइज कि लोग मो वॉइस रु चिन्ह केबे केबे सोशल मीडिया रे जेते बेले को होए ना नॉर्मली जे मन इवन अपन तो एबे टू मच मैच्योर्ड बट फिर भी किछि किछि थांदे देखिला बेले आपनकर ओडे का ड्रेस भल लागले जूम करी देखंदे आपण जूम करी कि ना देखिनी किछिटा स्नैपशॉट्स नै छि जेमति किछि 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 एक्टर्स बा एक्ट्रेस मानंकर पिंधिवार शैली बा कलर कॉम्बिनेशन टा मते भल लागि छि व्हिच इज ऑफलेट एबे मु करू छि सेबे केबे केबे टोटल गणले 5टा घंटे थिबो सो मु कोडे कोन करे स्क्रीनशॉट नै जाय एक्स्ट्रा हॉबीज कोन आई एम फुल ऑफ हॉबीज एंड हॉबीज सो बाकी एक्चुअल काम किछि करे नी एक्स्ट्रा हॉबीज मते ड्राइंग करिया भल लागे ओके आई लव टू ड्रॉ
ମତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେ ସେ ମୁଁ ଖୁସି ସେ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କିଛି ପ୍ରେସର ଦିଏନି, ସେ ଯାହା କରେ ଖୁସିରେ କରେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମା ପଣିଆ ଜାଗି ଯାଇଥିଲା କି ଏଇଟା ବି କର ସେଇଟା ବି କର, ବଟ୍ ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରେସର କରୁନି। ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟୁରେକା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ କମନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ୱି ନିଡ୍ ଅ ବଏ 5-7 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡର, ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ କି ଏଇଟା କର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଏ, ମୋ ବକେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ। ସୋ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଇଜ୍ ହି ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଇନଫ୍ ଏତେ ପ୍ରେସର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ମନ୍ଥସ୍ର ବି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିବିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସୋ ଆଜ୍ ଏ ମଦର ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ବଟ୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲେ କି କିଛି ହେବନି, ସେ କରିବ ଭଲ, କର କର କର। ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଗଲା, ୟୁରେକାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଗଲା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲେ। ସୋ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଇ ଏମ୍ ଓକେ, ମୋତେ ମେବାନ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଲେଟ୍ ହିମ୍ ସେ ଓକେ, କାରଣ ସିଏ ହଁ ମାନୁନଥିବ, ମୁଁ ତ କହୁଥିବି କର କର କର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ୱିଶ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ବାଇ ହିମ୍। Hold it. He was there with his son. କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୁଅର ନଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ରାଦର, ସେ ତାକୁ କୋଡ଼ରେ ଉଠେଇକି ବାବା ଏମିତିଆ କର, ବାବା ସେମିତିଆ, ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି, ସିଏ ଆଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବୁଝାଉଥିଲେ। ୱି ଆର୍ ଭେରି ଲକି ଟୁ ହାଭ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଅ ପର୍ସନ୍, ଯିଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଯିଏ ମୋ ଛୁଆର ବାପା। And he's a very good son, he's a very good father, he's a very good husband. ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନେନା ବାପା, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ, କାହିଁକି ନା ନେନା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଥା ଏମିତି ଜମିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେମିତି ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ, ବଟ୍ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ ସେଟା ଲମ୍ବା ହେଇ ହିଁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ 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 ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଜୋନର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲେଣି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜୋନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରିବି କି? ବହୁତ କିଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ କମ୍ କାମ କରିଛି। ସୋ ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ପୁଣି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହଉ, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ, ମୋତେ ନ୍ୟୁ କମର୍ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେମିତି ନୂଆ 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 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମିଳୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହଁ ନେନା ସେ କରିଦେବ, ନୋ ନୋ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସୋ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଅ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ଅଗେନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ମଚ୍ୟୁର ସ୍ମଲ୍ ଗର୍ଲ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଲୋକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କରିପାରେ। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଶୋକୁ ଆସିକି କ'ଣ କହିବେ? ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭି, ଟୁ ୟୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଅ ପ୍ଲେଜର୍ ମିଟିଂ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ କିଛି କଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠି କହିନି ସେଇଟା ଏଇଠି କହିଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୋର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅପା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସୋ ଭିୟର୍ସ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନେନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ଲେଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ସେଇଙ୍ଗ ଆଙ୍କୁ, ମାନେ ନେନା ଅପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର।